हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मैं नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, एक एक्स है, ठीक है, आपका एक एक्स है जो इस वक्त आपके और आपके रिलेशनशिप में, अपने नए रिलेशनशिप में फूट डालने के स्कीम्स बना रहे बॉस, ठीक है ना। दिस पर्सन इज़ प्रिटी मेस्ड अप इन देयर हेड, ठीक है। के पी सी एन डी ई एफ ए जी एच क्यू ओ एस, एक और आ रहा था एफ। ओके, ये कुछ लेटर्स पे पिक कर रही हूँ। तो ये आपके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, उस आपके एक्स के हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि ये पर्सन, कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास है आपके विषय में, और उन्हें पता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन, अगर वो थोड़ा सा सच थोड़ा सा झूठ ऐसे मिला करके आपके नए पर्सन के सामने रखेंगे, तो इससे आप दोनों के बीच में एक झगड़ा हो सकता है, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कुछ नंबर्स यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, 10 10, 1 1 1, 7 7 7, 14 14, 1 4 4। तो आपका नया पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, बिकॉज 1 4 4 हमारे हाई लेवल सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली नंबर है। 5 0 5, 2 2 2, 5 1 5, एक और 9 1 9। माइट बी अ सैजिटेरियस एनर्जी, आप ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, स्ट्रॉन्ग फायर साइंस, वाटर साइंस में सुन रही हूँ, वाटर साइंस में हमारे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। ऑफेंस, ये बाउंड्री को क्रॉस करना टाइप एनर्जी है, लाइक उन्हें पता है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए, बट देयर इज एन अनकंट्रोलेबल एनर्जी। दिस इज क्रेजी, इतनी देर तक लाइक मैं रात को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सब शांत है, अचानक से ये एनर्जी पिक करते ही ये लोग इतने जोर जोर से भौंकने लगे हैं। देर इज एन एनर्जी, इस पर्सन के एनर्जी में ऐसा एक चीज़ है कि उन्हें सहन नहीं हो रहा, लाइक हाउ डे यू, तुम खुश कैसे हो सकते हो, हाउ डे यू, ठीक है ना, मैं ये करने वाली हूँ या मैं ये करूँगा क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ। दिस इज़ मोर लाइक अ चैलेंज, हालांकि आपने कोई चैलेंज थ्रो भी नहीं किया होगा, लाइक यू आर प्रॉब्ली नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, बट एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये जब ऐसा कुछ करने के बारे में सोचेंगे ना, लाइक अपना प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले, तब आपको इस पर्सन का कोई सपना आएगा, ठीक है, चाहे वो सपना कोई भी हो, चाहे वो आप देख रहे हो कि वो आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ उसके कुछ ग्लिम्स हो, या वो आपको धमकी दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको एकदम से अचानक से उनकी याद आ जाएगी एंड आपको एहसास दिलाया जाएगा उस विजन के ज़रिए कि ये पर्सन थोड़ा आक्रामक एनर्जी में है। तो ये आप एक ऐसा कंफर्मेशन ले लेना कि ये ऐसा कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नाउ आपके नए रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए ये काइंड ऑफ एक परीक्षा जैसा एक प्रूव होने वाला है ये पूरा सिनेरियो, कि क्या ये
आपके और आपके पर्सन के बीच में इतना ट्रस्ट है कि आपका पर्सन आपके सच को रिकग्नाइज कर पाए, और अगर उसमें वो जो भी आपका एक्स इंफॉर्मेशन देगा उसमें अगर कोई सच्चाई भी है, फिर भी सच जानने के बाद क्या वो आपको अपना पाएंगे, कि आपकी परिस्थिति को वो समझ पाएंगे कि शायद आप किसी एक मोमेंट में कमज़ोर पड़ गए थे या कोई मजबूरी थी कि आपके पास कोई चॉइस नहीं था, आपका इंटेंशन गलत नहीं था, बट सिचुएशन ऐसी थी कि स्पेशली आपका एक्स अगर बना बना करके उसमें झूठ डाल करके ऑफकोर्स अगर बात करेंगे तो वो तो ऐसे साउंड करेगा ना जैसे कि आप कोई बहुत ही ईविल पर्सन हो और आपने जानबूझ के वो किया है मज़े के लिए या अपनी खुदगर्जी के लिए। तो उस झूठ के पार देख करके और सब कुछ जानने समझने के बाद भी कि आपका ये नया पर्सन, आपका नया पार्टनर आपको अपनाएंगे, क्या वो रियलाइज़ करेंगे कि आपने पास में जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें आपको इस वक्त जज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। लाइक एक एक आपके रिलेशनशिप में ना काइंड ऑफ एक फेज़ आ जाएगा, एक 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 स्टैंड स्टिल काइंड ऑफ एनर्जी आ जाएगी जहाँ पर आपके पार्टनर को और आपको काइंड ऑफ यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। नाउ द थिंग दैट आई एम पिकिंग अप आपके नए पार्टनर की एनर्जी में, कुछ लेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जेड वाई डब्लू वी यू एक्स टी पी, ठीक है ना। तो ये आपका ये आपके नए पर्सन का इनिशियल्स हो सकते हैं। ये पर्सन एक्चुअली बात को छुपाने को भी ना धोखे की तरह देखते हैं, विच इज़ फाइन, लाइक हम समझ सकते हैं। लाइक अगर कोई इम्पोर्टेंट बात है, स्पेशली अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आपसे जुड़े हर एक चीज़ को जानना ये उनका अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। फिर वो उसका क्या मतलब निकालते हैं और क्या एक्सेप्ट करते क्या नहीं एक्सेप्ट करते वो उसका उनका चॉइस है ना, कि बट सबको जानना ये उनका अधिकार है। तो अगर उन्हें ऐसा लगा कि आपने जानबूझ के बात को छुपाई है तो इससे उन्हें तकलीफ ज़रूर हो सकता है कि तुमने इतनी बड़ी बात कैसे मुझसे छुपा लिया, तुम्हें बता देना चाहिए। कि अक्सर ऐसा होता है कि जो पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है ना उसके मुंह से जब हम सच सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट आती है, एक कंसिडरेशन पॉइंट मिलता है कि चलो एटलीस्ट उसने ऑनेस्टली बता तो दिया, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट करने में, सिचुएशन को समझने में आसानी होती है, और आप अगर अपने शब्दों में एक क्लैरिटी प्रोवाइड करोगे तो उनके लिए आसान होगा, चाहे बात कितनी भी बड़ी कितनी ही चैलेंजिंग क्यों ना हो। पर अगर किसी और के मुंह से सुनने को मिले और वो भी इतना मैनिपुलेटेड तरीके से जहाँ पर वो आपको डीमनाइज कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए ये एक झटके की तरह फील होने वाला है, एंड दे विल फील वेरी सैड कि आपके विषय में उन्हें किसी और से सुनना पड़ रहा है, क्योंकि द फैक्ट कि उनके पास सारी जानकारी नहीं होगी और वो आपको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ से उन्हें बहुत गुस्सा आएगा कि यार कोई भी मुंह उठाकर आके कुछ बोल रहा है और मैं इसका मुंह भी बंद नहीं करवा पा रहा हूँ या मुंह भी बंद नहीं करवा पा रही हूँ बिकॉज कलेक्टिव ने मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो खुद सदमे में आ जाएंगे तो वो आपको अपने रिलेशनशिप को कैसे डिफेंड करेंगे। तो ये एक ऑफेंसिव एक फीलिंग आ सकती है उनमें जहाँ पर उन्हें सच को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, एंड इट्स नॉट इवन कि वो आपको जज करेंगे, बट दिस इज़ मोर लाइक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये काइंड ऑफ एक चैलेंज काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाएगा जहाँ पर ट्रस्ट की परीक्षा हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। द कलर येलो, पर्पल, पिंक, द स्ट्रेंथ कार्ड इज शोइंग अप हियर बॉटम ऑफ द डेक विच टेल्स मी कि स्ट्रेंथ तो वो पहले राउंड में ही ढूंढ लेंगे, ठीक है, बट वो थोड़ा सा ऑफेंडेड हो जाएंगे कि तुमने बात छुपाए क्यों, कैन आई ट्रस्ट यू कि आगे से तुम कोई बात नहीं छुपाओगे, ठीक है। ये थोड़ा सा उनके लिए चैलेंज हो सकता है, लाइक
आपके सिचुएशन के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है. वीव गॉट द कलर ऑरेंज एंड वीव गॉट द कलर पिंक, स्ट्रॉन्ग बेज पिंक कलर, ठीक है ना. एंड देर इज ब्लू, लाइट ऐसे लाइट ब्लू. तो आप जब मिले थे एक दूसरे से तब ये कलर के कॉम्बिनेशंस हो सकता है आप पहने हो, ठीक है, या जब आपके बीच में बात होगी तो ये कलर्स आप पहनोगे, या आपके चाक्रा से जुड़ा हो सकता है, स्पेशली द कलर ऑरेंज एंड येलो, ठीक है, लोअर चाक्रा से. आई विल सजेस्ट यू गाइस ऑनेस्टली कि अगर कोई बात है जो बड़ी है, आप खुद से डिसाइड मत करो कि सामने वाले को क्या जानना ज़रूरी है और क्या नहीं. डोंट डिसरिस्पेक्ट सामने वाले के जगह को. कई बार ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं कि ओ उसे ये जानने की ज़रूरत नहीं, वो सामने वाले की जगह की रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस उसे अंधेरे में रख करके उसके इंटेलिजेंस को डिसरिस्पेक्ट करना हो जाता. सामने वाला क्या सुन सकता है, क्या ग्रहण कर सकता है और क्या नतीजे पे पहुँचेगा, ये उन पर होता है. तो ये अधिकार आप उनसे छीन नहीं सकते, तो ये चीज़ उन्हें थोड़ी सी खटक सकती है, ठीक है. फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस माइट बी योर पार्टनर, ठीक है, जिसने कुछ चीज़ों को आपको बताया नहीं, जिसके कारण उनके एक्स आकर के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिससे आपको ये ऑफेंस फील हो सकता है कि यार तुमने खुद से कैसे डिसाइड कर लिया. मैं सुन के डिसाइड करता ना, मैं सुन के डिसाइड करती, और ऐसा तो नहीं है दैट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. सब कुछ सुनने जानने के बाद अगर मैं तुम्हें गलत तरीके से जज करती या समथिंग, तब तुम सैड हो सकते थे, ठीक है, बट यू नीड टू गिव मी सम टाइम ताकि मैं इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर सकूँ और प्रोसेस कर सकूँ इन्फॉर्मेशन को. पर तुम खुद से कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं क्या जानने के लायक हूँ और क्या नहीं. यू कैन नॉट होल्ड बैक इन्फॉर्मेशन लाइक दैट, ठीक है ना, और देखो उसका क्या नतीजा हुआ. वो सच्चाई मेरे सामने तो आई और वो इस तरीके से आया है कि अब मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता या भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम इन्फॉर्मेशन छुपाते हो. आज तुमने ये छुपाया, कल पता नहीं तुम और क्या क्या छुपाओगे या और क्या क्या तुमने छुपा रखा है. तो ये काइंड ऑफ ट्रस्ट पे आ जाता है ना. सो ये वाली एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है. बट विथ द स्ट्रेंथ कार्ड इट सीम्स लाइक आपका रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू पास द टेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है ना. आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को अपनी गलती को सुधारने का मौका दोगे, एंड योर पार्टनर, बिकॉज दिस इज़ अ हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग, उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा एंड दे विल मेक श्योर कि आगे से वो आपसे कोई भी बात नहीं छुपाए, ठीक है ना. और आपको ऐसे डिसरिस्पेक्ट, इट्स नॉट दैट कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट फील करवा रहे थे या डिसरिस्पेक्ट फील करवाना चाहते थे. कोई चैलेंज भी नहीं था कि वो आपको आपके इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट करे, बट इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने नहीं बताया बिकॉज उन्हें डर था कि आप कैसे रिएक्ट करोगे. बट फिर भी आपका कोई भी रिएक्शन हो, कुछ भी हो, उन्हें आपको एक मौका देना चाहिए था, ठीक है ना, सब कुछ जानने का. तो उन्हें कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से रियलाइज़ होगा कि उन्हें बातें नहीं छुपानी चाहिए थी और आगे से भी वो कोई बात छुपाएंगे नहीं आपसे, ताकि फर्दर कोई गलत फहमी ना हो, बिकॉज दिस पर्सन स्ट्रांगली फील्स फॉर यू. वो आपको या अपने आप को किसी ऐसे पोजीशन में नहीं डालना चाहते जहाँ पर आपका रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे पहुँच जाए या उन्हें आपको खोना पड़ जाए. सो दे विल मेक श्योर कि वो अपनी गलतियों को सुधारें और आगे से ऐसी कोई गलती ना दोहराए, बल्कि आपको एज एन इक्वल, एज अ पार्टनर वो आपको ट्रीट करे और आपको सारी जानकारी दे. एंड यू ऑल्सो रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने, आपके नए पार्टनर ने हमेशा आपके साथ बहुत सी बातें डिस्कस की है एंड वो आपके ओपिनियन को बहुत वैल्यू भी करते हैं. वो चाहते हैं कि आपके बीच में डिस्कशंस हो और आप अपना राय दो, ठीक है ना. तो एक चीज़ के लिए आप उनके पूरे स्वभाव को आप जज नहीं कर सकते. सो यू विल फाइंड द स्ट्रेंथ टू फॉरगिव दिस पर्सन और अपने रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस देने का, रिकन्सिलिएशन का आपको एक आप मौका दोगे, बिकॉज आपकी फीलिंग्स
और अब तक आपने जो एक्सपीरियंस किया है इस पर्सन को, इससे चीज़ों को प्रॉपरली देखने में और जज करने में आपको आसानी होगी. यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस सिचुएशन. एंड द सेम गोज़ फॉर योर पर्सन एज वेल, कि अगर आपके पर्सन ने कुछ बातें आपसे आपने कुछ बातें अपने पर्सन से छुपाई थी, तो आपका पर्सन भी ये रियलाइज़ करेंगे कि एक बात के लिए जो आप बताने से डर रहे थे या जज होने से डर रहे थे, उसके कारण वो आपके पूरे स्वभाव को, आपके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते. वो लिटरली अपने आप को आपके जगह पे रख करके एक बार गहराई से सोच के देखेंगे कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो फीलिंग्स है, वो बहुत स्ट्रांग है. और इन सारी पास्ट, स्पेशली पास्ट की सिचुएशन से तो कई गुना ज़्यादा ऊपर की है. और जो पास्ट में हो गया है और जो गलती हो गई यहाँ पर आपसे बातें छुपाने की, उन्हें उसे ठीक करना चाहिए. सो वो आपको काइंड ऑफ आपको रिक्वेस्ट कर सकते कि आगे से कोई भी बात मुझसे मत छुपाना, क्योंकि देख तो रहे हो ना, इट हर्ट मी बिकॉज आई एम फीलिंग बिट्रेड कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाया है. एंड मेरे पास शब्द नहीं थे हमें डिफेंड करने के लिए. एक्चुअली ये जो दर्द है ना आपका पर्सन जो फील करेंगे, इट इज़ मोर लाइक कोई भी मुंह उठा करके आकर कुछ बोल गया और मेरे पास शब्द नहीं थे उसका मुंह बंद करने के लिए, बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट इन्फॉर्मेशन. अगर मुझे पहले से पता होता, मैं प्रिपेयर्ड होता या प्रिपेयर्ड होती, तो मैं पलट के उसे दो जवाब दे सकती थी और उसे शट डाउन कर सकता था या उसे रफा दफा कर सकता था इस मैटर को. उसे दिखा सकता था कि उसके कुछ भी कहने बोलने से हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता, मेरी फीलिंग्स अभी भी वैसे ही है जैसे था, ठीक है, एंड इससे हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है. वी आर स्ट्रांग एंड वी आर ग्रोइंग टू बी मोर स्ट्रांगर, ठीक है ना. तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता, बट द फैक्ट कि वो ये नहीं कर पाए, स्ट्रांगली डिफेंड नहीं कर पाए ना आपको, अपने रिलेशनशिप को, खुद को, तो ये बात उन्हें बहुत खटकने वाली है और इसी से उनको उनका गुस्सा आएगा. इट्स एक्चुअली पेन, वो हर्ट होंगे और उनका दर्द गुस्सा बन के बाहर निकलेगा, ठीक है ना. सो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि ये गलती मत करना. चाहे आपको कितना भी डर क्यों ना लगे, आप अपने पर्सन को, अपने आप से जुड़े जो भी बातें हैं आप पहले से बता देना, लेट देम नो, ताकि वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सके. अगर कोई रिश्ता सच्चाई की तलवार को नहीं झेल सकता, वो वैसे भी टूट जाएगा, ठीक है ना. बट कोई और आकर के चीज़ों को बिगाड़ दे, एटलीस्ट आप खुद से चीज़ों को बताओगे तो सिचुएशन को सेव करने का एक मौका आएगा, ठीक है ना. एक रिस्पेक्ट आएगी ऑनेस्टी की, एंड सामने वाले को फील होगा कि नहीं, चाहे कुछ भी हुआ हो पास्ट में आपसे, आपने फिर भी ट्रस्ट करके अपने दिल की बात उनसे कही है, तो वो इस चीज़ को ऑनर कर पाएंगे. पर अगर किसी और के मुंह से सुनना पड़ गया ना, तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना. इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी डार्क टर्न, ठीक है. आई एम गेटिंग द लेटर आई जे एम एल आर, ओके, स्ट्रांग बी स्ट्रांग आर. वी गॉट एयर साइंस लीब्रा अक्वेरियस जेमिनाइज. फायर एयर का कॉम्बिनेशन ही हो सकता है, आपका कप, आप दोनों के बीच में फायर एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है. फायर में हमारा एरीज लियो सैज एंड एयर में हमारा लीब्रा जेमिनाई अक्वेरियस, ठीक है. आप दोनों का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है. वाटर अर्थ का भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो सकता है. राइट राइट. अर्थ एनर्जीज में हमारे टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉन कंबाइनिंग विथ, पेयरिंग विथ हमारे वाटर साइंस कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसीज, ठीक है ना. ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है आप दोनों का जोड़ी का, ठीक है. स्ट्रॉन्ग लेटर एच एच.
कुछ वक्त के लिए ना आपको आपके पर्सन को थोड़ा सा समय देना होगा ताकि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके और खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है ना। ट्रांजिशन यहाँ पर होगा ज़रूर, ठीक है, बट यू विल हैव टू मेक श्योर कि अपने रिलेशनशिप को ऑनर करने के लिए आप ऐसी गलतियाँ ना करो, क्योंकि जैसे छोटी छोटी बातों से खुशियाँ जुड़ी होती है ना, ऐसे छोटी छोटी बातें ही कई बार रिश्तों को बहुत गहरा नुकसान कर जाता है। तो यू विल हैव टू मेक दोज अमेंड्स, ठीक है, चाहे आप करो या आपके पार्टनर करो। यहाँ पर सिचुएशन हाथ में आएगा, ठीक है, संभलेगा। विद दैट नंबर 6 वीव गॉट द विक्टोरियस कार्ड, आप विक्टोरियस होंगे, आपका रिलेशनशिप यहाँ पर तरीके से वर्कआउट करेगा, बट यू विल हैव टू बहुत सेंसिटिवली आपको सिचुएशन को हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टैंड स्टिल वाली एनर्जी आएगी विद द हर्मिट एनर्जी, सच बोला जाएगा, थोड़ा सा सिचुएशन स्लो होगा, और उसके बाद फिर से विद द क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस, यहाँ पर आपका प्यार, आपका समर्पण यहाँ पर जीतेगा आप दोनों का, एंड देन यू विल बिकम विक्टोरियस, ठीक है। लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस फॉर यू गाइस, कुछ क्लोजिंग मैसेजेस प्लीज। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, दिस सॉन्ग माइट बी इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज। कंडीशनिंग रिवर्स, ओके। सो यहाँ पर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए आसपास के कुछ लोग बहुत सारी बातें कह सकते हैं, सेइंग कि ओ तू एक और बार सोच ले, क्या ये तेरे लिए सही है या नहीं है, ठीक है ना, ये हम तो पहले से ही कह रहे थे कि शायद तुम लोग एक दूसरे के लिए बने नहीं हो। लाइक द हेटर्स इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा करके ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं, बट इन सारे बातों से ऊपर उठ करके आपका पर्सन डिसीशन लेंगे और आप भी डिसीशन ले पाओगे, ठीक है। तो ये कंडीशनिंग रिवर्स्ड है, ठीक है। द नंबर 25 इज़ हियर, 15 इज़ हियर, 37, ठीक है ना। तो वो इन सारे कंडीशनों से परे वो आपको एज एन इंडिविजुअल देख पाएंगे, सो दिल कम अक्रॉस विद दिस एक रियलाइजेशन के साथ कि आपका रिलेशनशिप इन सारे सिचुएशन अगर मगर पर किंतु से कई गुना ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। और हाँ, कुछ गलतियाँ हुई हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है यहाँ पर ये इतना भी बड़ा नहीं है कि हम इसे उभर ना सके, ठीक है ना। तो थोड़े से सॉरीज, थोड़े से फॉरगिवनेस, थोड़े से रेक्टिफिकेशंस, एंड देन इस एक्सपीरियंस के बाद आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज़ यू विल रियलाइज़ कि यहाँ पर क्या गलती हुई और आप उसको सुधारोगे, सुधार होगा, तो जाहिर सी बात है आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा यहाँ पर गहरा होकर और भी अपलिफ्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो जहाँ पर लोग इंतज़ार करेंगे आपके एक्स और आपके हेटर्स कि आप दोनों अलग हो जाओ, ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू होगा जहाँ पर आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग ट्रांजिशन, ये काफ़ी सारे लोगों को एक झटके की तरह एक्सपीरियंस होने वाला है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर।